चलो अच्छा, बिजली तो आ गई। मैं आप सबको देखकर चौंक गई आई। ये आम का अचार मेरे आई ने बनाया है रे, तब किसे पता था वो ये आखिरी बार बना रही है। वहीनी ने हम सबके लिए दिया है। पल्लू तुझे पता है, मेरी आई हमेशा कहती थी वक्त को खर्च होते समय नहीं लगता, इसीलिए वक्त के रहते ही खुशियां और यादें बटोर लेनी चाहिए। उसकी ये बात मुझे अब समझ में आ रही है रे। इसलिए मैंने तय कर लिया है, आज से मैं हमेशा खुश रहूंगी, जितनी हो सके उतनी परिवार की यादें और खुशियां बटोर लूंगी, और इसकी शुरुआत ना मैं मानसी की शादी से करूंगी। हाँ बिल्कुल आई, मानसी एक बार अपनी गर्ल्स ट्रिप से आ जा, फिर हम सब मिलके उसकी शादी डबल धूमधाम से करेंगे। ठीक है। अच्छा ये बता, तू कैसी है, तेरी तबीयत कैसी है? एकदम परफेक्ट, मगर मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया आई। मैंने भी। अच्छा डॉक्टर ने तुझे बुलाया था 2 हफ्ते बाद, तू गई थी? डॉक्टर कनिका से तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनसे वीडियो कॉल पे कंसल्ट कर लिया है मैंने। वो सब छोड़िए आई, आपको और बाबा को एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है। क्या री? एक बार बाबा फ्रेश होकर आ जाए, फिर आप दोनों को बताती हूँ। ठीक है। वैसे बाबा का मूड कैसा है अब? वो अभी भी नाराज है क्या मुझसे? तू और तेरे बाबा दोनों नौटंकीबाज है। वहां तो दिखा रहे थे बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन मेरे से 50 बार फोन करवाते थे, पता है? हमेशा पूछते थे पल्लू कहाँ है, क्या कर रही है, कैसी है। ये 13 दिनों में तेरी याद में वो आधे हो गए रे। लेकिन देख लेना, जैसे ही आएंगे ना तो तुझे देखेंगे भी नहीं, तुझसे बात भी नहीं करेंगे। बाबा आप जब से लौटे तब से आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ, आपको मेरी याद नहीं आई। दुकान से आने में इतनी देर क्यों हो गई? नहीं मैं दुकान से नहीं आ रही हूँ, एक्चुअली मुझे कल तक 5 साड़ियों में जरी का काम पूरा करना था। देवा 11 बज गए, कुछ ही घंटे बचे और मुझे 5 साड़ियों का काम पूरा करना है। आई बाबा मैं कल सुबह आपको सब कुछ बताऊंगी, अभी मुझे जाना है, कल बहुत जरूरी काम है। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट आई। छुपा रुस्तम कहीं की, 13 दिन की करतूत बिना बताए भाग गई, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ऐसी लंबी लिस्ट बनाई है ना, बस एक मौका मिल जाए ऐसा गाना गाऊंगी दादा के सामने कि सबका मुंह बंद। बहुत लेट हो गया, जाके सो जाता है, कल सुबह मीटिंग है। ये साड़ी मिली है सोफे के नीचे। ऐसा बिजनेस वुमेन नहीं है, खुद के साड़ी का फिक्र ही नहीं है, उसको पता भी है क्या नहीं कि उसका एक साड़ी मिसिंग है। मैं क्यों कॉल करना, मेरा क्या, वो जाने उसका काम जाने, वैसे भी अभी 2 बज गया, सोता रहेगा वो। एक बार फोन कर लेता है, क्या पता शायद जागता हो। ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी, मुझे ना कोई मेरी दुकान से निकाल सकता है और ना ही हैदराबाद से। तुम भी नहीं घमंडी रहो, सोने दो मुझे, डिस्टर्ब मत करो मुझे, मुझे जीतना है। और सिर्फ ये कंपटीशन नहीं, ये चैलेंज भी मैं ही जीतूंगी घमंडी रहो। हेलो हेलो, सारी का दुकान सुनाई दे रहा है? 5
पांच साड़ियां है मेरे पास, इकत, पोचमपल्ली, कलमकारी, बनारसी, बांधनी, मैं ही जीतूंगी। और सिर्फ ये चैलेंज नहीं, ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। हेलो सुनो, तुम्हारा साड़ी मेरे घर में, तुम भूल गया इधर? तुम समझते क्या हो अपने आप को घमंडी रहो? क्या ये घर भी मेरा है और दुकान भी, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझे? घमंडी रहो। हेलो सारी का दुकान, क्या बोल रहा है तुम? हेलो हेलो, पूरा किराए के लड़की, इरिटेशन का दूसरा नाम है ये सारी का दुकान। कंपटीशन जीतना और कुंभकर्ण के ऐसा सोना भी है, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन तुम्हारा वो ओनर सारी का दुकान कुंभकर्ण का बहन है ना, बहुत सोता है वो, सॉरी तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। मुझे जीतना है, पांच साड़ियां है मेरे पास, और सिर्फ ये चैलेंज नहीं, एक कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। एक, दो, तीन, पांच में से तीन ही साड़ियां पूरी हो पाई है। दीदी इनमें से कोई दो साड़ियां ले लो। अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, दो प्लेन साड़ियां ही सबमिट करनी पड़ेंगी। पता नहीं कृष्णा, कल रात मुझे कैसे नींद आ गई। सीरियसली कृष्णा, तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हो कि तेरे बिना मेरा कोई काम ही नहीं होता। इसीलिए आपने अनजान आदमी को बिना कुछ पूछे काम पे रख ली। दीदी अगर अभिजीत अन्ना आ रहे होते तो मैं आपको कॉल करके बताती ना। जानती हूँ कृष्णा गलती हो गई, पर पिछले कुछ दिन थे ही ऐसे, दिमाग ही नहीं चल रहा था। अब छोड़िए ये सब बातें, इनको सबमिट कीजिए, आई एम श्योर ये कंपटीशन आप ही जीतोगे। ऑल द बेस्ट। अगर जीत गई ना कृष्णा तो समझूंगी कि चमत्कार होते हैं। एक्सक्यूज मी, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर कहाँ है? हेलो हेलो, मैंने भी अपना नाम रजिस्टर कराया इस कंपटीशन के लिए। नाम? पल्लवी देशमुख, फ्रॉम देशमुख साड़ी एम्पोरियम। ले लीजिए आपका बैच, अपने नंबर आने का वेट कीजिए, आपको बुलाया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। ये लो पानी पी लो एंड रिलैक्स, कंपटीशन शुरू होने में अभी 10 मिनट है, वो अनाउंस कर देंगे और उसके 3-4 घंटे बाद रिजल्ट आएगा, सो रिलैक्स। ओके थैंक यू। बाय द वे आई एम पल्लवी। हाय आई एम टीना। तुम पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हो इस कंपटीशन में? हाँ मैंने पहली बार ही किया है, पर मैं 1 साल से मेहनत कर रही हूँ इस कंपटीशन के लिए। वाओ, मुझे बहुत देरी से पता चला इस कंपटीशन के बारे में, 1 साल जितनी तो नहीं पर मेहनत तो मैंने भी बहुत की है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट का क्या है, जिसकी साड़ी सबसे अच्छी होगी वही जीतेगी। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। जी पल्लवी जी हैं? आप कौन? मैं राघव अन्ना के घर से आया हूँ, वो एक्चुअली कल रात को पल्लवी जी अपनी साड़ी वहां भूल आई थी। पल्लवी कल रात राघव राव के घर पे थी? वही लौटाने के लिए कहा था राघव अन्ना ने। ये लीजिए। नमस्ते। ये राघव राव यहाँ क्या कर रहे हैं? बस साड़ी ही देखती रहोगी या बताओगी वो कल रात वहाँ क्या कर रही थी? देखिए पल्लू आएगी तो पूछ लेंगे ना, लेकिन कोई जरूरी काम ही होगा। मैं कुछ कहूंगी तो वही नहीं मुझ पर ही चिढ़ जाएगी, पर बात घर की इज्जत की है ना, चुप तो नहीं रहा जाता मुझसे। सच बताओ दादा, आपके पीछे पल्लवी हमें कभी नहीं बताती थी कि वो कहाँ जा रही है। दुकान जा रही हो कहती तो थी,
पर उस दिन मैं वहां से गुजर रही थी, देखा बीच दोपहर दुकान बंद करके गायब। दूसरे दिन तो हद ही हो गई, पुलिस उसे अरेस्ट करके लेकर गई। उसने एक बार भी हमें फोन करके नहीं बताया। वो तो भला हो उस दूसरे दुकान वाले का, उन्होंने मिलिंद को कॉल करके बताया। दादा वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। अब पल्लवी सिर्फ आधे घंटे के लिए थी पुलिस स्टेशन में, और सुलोचना तुम बिना वजह कोई भी बात मिर्च मसाला लगाकर बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो बिना मिर्च मसाला लगाए सच्ची बात क्या है वो बता दो ना इन्हें। हो ना हो, ये बड़ी गलतफहमी भी राघव राव से ही जुड़ी हुई है। आप इसकी बातों पे ध्यान मत देना, पल्लवी आएगी ना तो हम सच पूछ लेंगे उसे क्या हुआ था। दादा तुम राघव राव को जानती हो? हाँ थोड़ा बहुत, मैं अभी आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Excuse me, तुम CBI FBI में काम करता है क्या? जो हर एक बात का सफाई तुमको दूं? यहाँ पे बेस्ट साड़ी मैन्युफैक्चरर का कंपटीशन चल रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा साड़ियों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। किसने कहा? साड़ी शॉप का ओनर है मैं। एक सेकेंड, तुम कहीं मेरा पीछा पीछा तो नहीं कर रहे ना? सेम क्वेश्चन टू यू, और तुम्हारे चांसेस ज्यादा है क्योंकि तुम जब चाहो तब मेरा घर आता है, नींद में भी मेरे बारे में बड़बड़ करता है। जैसा जैसा चैलेंज का दिन पूरा हो रहा है ना, तुम्हारे दिमाग में वो क्रैक और बढ़ रहा है। इनका नहीं पिछोल तो मार लड़नो। हाँ? मैं क्रैक लोगों से बात नहीं करता। अर्धा महिंदा हटो अभी। मैं नहीं हटूंगी। ठीक है रहो ऐसा स्टैचू के जैसा, मैं अपना रास्ता खुद बना लेता है। हाँ तो बना लो। हाँ बनाएंगे ना मैं। बिंदी वाला आंटी हाय। सुलोचना काकू यहाँ? दैट मानुस ये यहाँ क्या कर रहा है, और ये क्या बोल रहा था? नींद में उसका नाम बड़बड़ाती हूँ, खुद पागल है और मुझे पागल बोलता है। राघव राव से क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं, हम क्या बात कर रहे थे? वो साड़ी की। हेलो एवरीवन, जजेस आ चुके हैं, वो आप सबकी साड़ी देखेंगे और थोड़ी ही देर में हमें विनर का नाम बता देंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑल द बेस्ट अगेन। सेम टू यू। आओ अब सुलोचना के बातों पर ध्यान मत दीजिए। देखिए आप पहले शांत हो जाइए, पल्लवी के आने पर हम उसे सच्चाई पूछ लेंगे, उसके बाद आपको जो कहना है कह दीजिए। कुछ भी कहने का फायदा क्या है शारदा, जबकि तुम्हारी बेटी बात सुनती नहीं है। मैंने उससे कहा था राघव से मिलना बंद करो, तो उसने वो डील की बात करके मेरा ही मुंह बंद कर दिया। अब तो हो गई ना डील, अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि हमारे पीछे उसे राघव से मिलने जाना पड़ा, वो भी उसके घर रात को। हमारी गैर मौजूदगी में इतनी सी समझदारी नहीं दिखा सकती है लड़की। तुम उसकी वकालत करना बंद कर दो शारदा, तुम अभी तक नहीं समझ रही हो। चीजें जिस तरह चल रही है कहीं कुछ इतनी बड़ी बात ना हो जाए कि हमसे संभल ही ना जाए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना शारदा, ये राघव राव काला साया है, और जब तक पल्लवी उस काले साये के आसपास मंडराती रहेगी हमारे घर का सुख चैन सब अंधेरे में खोता रहेगा। देखिए मैं आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर रही हूं, लेकिन पल्लवी आने तक हम इंतजार कर ही सकते हैं ना, उसे सच्चाई पूछ ही सकते, लेकिन तब तक तो हम उस पे विश्वास कर ही सकते हैं ना। दादा पल्लवी आ गई। लो हो गया इंतजार खत्म, अब सारी सच्चाई पता चलेगी। आहो आहो आई बाबा, जल्दी आइए। काका कहाँ है आई बाबा? अरे वो बाबा, बाबा आज बेस्ट साड़ी डिजाइन के कंपटीशन देशमुख साड़ी एम्पोरियम जीत गया, ये देखिए ट्रॉफी, ये देखिए पूरे 60,000 का चेक है। अब देखना इन पैसों से हम मॉल में देशमुख साड़ी एम्पोरियम का शोरूम खोलेंगे। आई कल रात आपको यही खुशखबरी देने आई थी। कल रात तू राघव राव के घर पे थी। बाबा
आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ? हुआ ये तुम्हारी साड़ी कल रात राघव राव के घर पे छूट गई थी, जो आज सवेरे उसका आदमी लौटा के गया है। नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। गलती मेरी है, कल रात को आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। एक्चुअली हुआ यूं कि और तब शायद ये साड़ी वहां रह गई। बकवास, सब बकवास है पल्लवी। हमारे इतने रिश्तेदार, इतने दोस्त हैदराबाद में, उन सबको छोड़ के तुम्हें बस राघव राव याद आया। पल्लवी, इससे पहले कि मेरा तुम पर जो भरोसा है वो पूरी तरीके से टूट जाए, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे और राघव राव के बीच में कोई रिश्ता है? अन्ना, ये रही स्पेशल मिठाई जो आपने खास अम्मा के लिए मंगवाई थी। लेकिन अन्ना, इस मिठाई में ऐसा क्या खास है? भूल गया क्या फरहाद, ये अम्मा का फेवरेट मिठाई है तो खास ही हुआ ना। वो सारी का दुकान के घर में मैंने अम्मा को अपने हाथों से ये मिठाई खिलाया। वो सारी का दुकान के घर में एक ही बात अच्छा हुआ था, अम्मा मेरे को अपनाने लगा था। इसीलिए अन्ना आप उस संगीत फंक्शन में ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के गए थे। हाँ फरहाद, लेकिन क्या करे, वो संगीत का फंक्शन तो पोस्टपोन हो गया। अगर अम्मा मेरे को वो कपड़ों में देखता तो बहुत खुश होता था। तो अन्ना एक काम करते हैं, घर चलते हैं, आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आओ, अम्मा को अच्छा लगेगा। सही बात बोला तुम फरहाद, ये लो। कीर्ति, कैसा है तुम? अम्मा कैसा है? अरे दरवाजे पे ताला क्यों लगाया है? ये देखो, मैं अम्मा के लिए फेवरेट मिठाई लेके आया। फरहाद, गाड़ी में और सामान है, वो भी लेके आ। राघव, हमें तुम्हारे हेल्प की और सामान की कोई जरूरत नहीं। कीर्ति, मैं सिर्फ एक बार अम्मा से मिलना चाहता है। अम्मा तुमसे नहीं मिलना चाहती राघव। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक हो रहा था ना, अम्मा मेरे हाथ से स्वीट खाया। लेकिन तुमसे खुशियां बर्दाश्त कहां होती है राघव? तुम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि अम्मा खुद तुमसे दूर हो जाए। तुम्हें अंदाजा भी है कि ऐसे चोरी छुपे आधी रात अचानक से गायब हो जाना हमारे लिए कितना एम्बैरेसिंग होता होगा। सब पूछते हम कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे, अम्मा किसी को जवाब नहीं दे पाती राघव। लोगों के सवालों पर सर झुक जाता है उनका। तुम्हारे वजह से हमें भी क्रिमिनल्स की जिंदगी जीनी पड़ती है। वैसे इस बार क्या किया तुमने जो हमें जबरदस्ती सेफ हाउस भेजना पड़ा? कीर्ति, ऐसा नहीं था, अन्ना गलत नहीं थे, बल्कि कोई उनके पीछे पड़ा था, उन्हें मारना चाहता था। उससे लड़ते लड़ते अन्ना की जान तक जाने वाली थी, इसीलिए अन्ना ने आप दोनों को मेरे साथ सेफ हाउस भेजा। रुको फरहाद, तुमको मेरा वकील बनने का कोई जरूरत नहीं है। जिसको जो समझना है समझे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में पक्का रिश्ता है। और ये बात मैं साबित कर सकती हूं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।